मि धन्वन्तरिमादि देवम् सुरासुरै स्वच्छाधिरुद्यम् सुख स्वच्छा सभी लोग को मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं आइए आज हम लोग माधव निदान पढ़ेंगे मैं यहाँ कुछ लोगों को को होस्ट बना देता हूँ सुबह के टाइम पे लोग ना कम आते हैं पढ़ने लेकिन जो लोग आते हैं उनको ही मालूम है कि कितना मजा आता है डिवाइन फीलिंग होती है जब हम सुबह अपने ग्रंथों का वाचन करते हैं तो मैं यहाँ पे अनम्यूट करने का ऑप्शन दे देता हूँ जो लोग भी बोलना चाहते हैं वो लोग बोल सकते हैं और आप लोग के स्क्रीन पे ये माधव निदान आ रहे है तो हम लोग ना कर्ण रोग अभी पढ़ रहे माधव निदान का ये जैसे ही माधव निदान खत्म हो जाएगा हम चरक संहिता की टीकाएं पढ़ने वाले हैं चरक संहिता का आप लोगों ने गंगाधर टीका नहीं पढ़ा होगा या चक्रपाणी जी की जो टीका है आयुर्वेद दीपिका वो संस्कृत में नहीं पढ़ा होगा वो होने वाला है ये अध्याय कुछ खत्म हो जाएंगे दस बारह अध्याय ये खत्म होने के बाद हम लोग वो शुरू करेंगे चरक संहिता पढ़ेंगे और हमें अभी शुश्रु संहिता का भी टीका पढ़ना है हमें शारंगधर संहिता भी पढ़ना है हमें भाव प्रकाश निघंटू भी पढ़ना है वो भी ओरिजिनल संस्कृत वाला पढ़ना है तो आप लोग जुड़े रहिए आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा ही तो अभी कान में कृमिकर्णक नाम का बीमारी हो जाता है जब मक्खिया अंदर चले जाते हैं और कीड़े पड़ जाते हैं तो क्या होता है तो ऐसा बोला है कि यदा तू मूर्च अथवा आपी जंतव सृजंत्य अथवा आपी मक्षिका तद व्यंजन श्रमणों निरुचित भिषक ही कृमिकर्णको मतलब जब कान के भीतर कीड़े पड़ जाते हैं और या मक्खिया अंडे रखती हैं तब कानों में के लक्षण प्रकट होते हैं और कान में कीड़े पड़ रहे हैं तब तक वो पेशेंट को कुछ ऐसे ये क्यों नहीं है कि हाइजीन मेंटेन रखे अगर हाइजीन नहीं मेंटेन है तो ये पड़ेंगे वैद्यों ने कृमि कृमिकर्णक कहा है टीकाकार क्या बोलते हैं टीकाकार बोलते हैं कि कृमि कर्णकम माह यदा तो मूर्छंती उष्ठिता भवंती जंतव कृम कृमय क्रिमे कृमि मूर्छनम च मास शोणित कोथे सती गेयम तदंतरेण कृमिणा संभवात पत्यानिति डिंबकान तद व्यंजनवादी कृमि लक्षण श्रवण निरुच्यत कृमिकर्णको गद इति आश्रय आश्रय तोर वेदो पचार श्रवणा प्रीमिकर्णको गदो भणयते श्रवण शब्दः पुल्लिङ्गो अप्यस्य अस्मात् देवर् निर्देशात् प्रतियते अयं विकार स्त्री दशोमन्तव्य तथा च निमिहि श्लेष्म पित्त जो पित्तजलोन मिश्रे कुथे शोणित मासजे मूर्चन्ति जन्तव तत्र कृष्णास्ताम्रः सितारुणः भक्षन्ति ते करणे कर्णम कुरो विविधा रुझा कृमिकर्णम तुतम विद्या संत प्रकोपजम कर्ण के लक्षण कहते हैं यदि जब मूर्छित हो जाते हैं अथवा बढ़ जाते हैं जंतु मतलब कृमि कृमि जब मूर्छित रहते हैं या बढ़ जाते हैं कान में कृमि उत्पन्न होकर बढ़ते रहते हैं कृमियों की उत्पत्ति मांस और रक्त के सड़न होने पर होती है क्योंकि बिना कोत या सड़ाव के भी कृमि उत्पन्न नहीं होते हैं अपत्यगन अर्थात कृमि के या फिर मक्खियां अपने बच्चे दे देती है उनके अंडे हो जाते हैं श्रवणों कृमिकरणक इन दोनों संबंध होने से अभेद भेदोपचार या अभेद कल्पना मानी जाती है इससे श्रवण ही कृमिकरण रोग माना गया है इस प्रकार इन दोनों में कोई भेद की कल्पना नहीं रहती है श्रवण शब्द पुलिंग या पुम वाचक ही होता है इस बात को प्रमाण द्वारा सिद्ध करते हैं इस रोग को त्रिदोष जन्य ही समझना चाहिए किंतु निमित तंत्र में ऐसा संकेत मिलता है यथा कर्णगत रक्त रक्त और और मांस में कफ पित्त के के मिश्रण से कोथ या सड़ाव हो जाता है तथा तो उसमें अनेक प्रकार काले लाल सफेद या अन्न के कृमि पड़ जाते हैं और ये कृमि कानों में कानों को माने खाते हुए अनेक प्रकार की पीड़ा उत्पन्न कर देते हैं इस रोग को कृमिकर्ण कहते हैं यह रोग सन्निपात के प्रकोप से होता है पूर्वोक्त कर्ण स्राव की उपेक्षा करने पर अर्थात उचित समय पर उपचार न करने पर वहां कोथ या सड़ाव हो जाता है जिसमें वहां पर कृमि पड़ जाते हैं अथवा एक प्रकार की कृमि जान तक मक्खी होती है जिसे साई नाम का नाम कहते हैं यह भी व्रण पर बैठकर अंडे देती है जो कि शीघ्र ही कृमियों का धारण कर लेते हैं यह अलग तरह की मक्खी होती है जो कान में ही जाती है यह कृमि कानों में मानो खाते हुए अनेक प्रकार की पीड़ा कर देते हैं कृमियों के मूर्चन से इसरो को कृमि करना कहते हैं मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ जब मैं बी कर रहा था तो मैं जाता था तो पुणे में एक बहुत बड़ा पार्क है सारस बाग तो वहां से मैं जाता था तो उस टाइम पे मेरा जो कॉलेज था बीएमएस के टाइम पे वो थोड़ा दूरी पे था बस वहां तक नहीं जाती थी तो हमें ना रोज सुबह जाना पड़ता था सुबह सुबह जाना पड़ता था तो वहां पर एक भिखारी बैठता था उसका जो था ना उसका पूरा स्कल एरिया वो पूरा सड़ गया था भीख मांगता था सारसबाग के अपोजिट ही जहाँ पे पूना में जवाहरलाल नेहरू क्रिकेट स्टेडियम में वहां पे वो बैठता था तो उसका ना पूरा स्कल जो था ना वो सड़ गया था उसमें मैगोड पड़ गए थे कीड़े पड़ गए थे और उसका कान में भी कृमि हो गए थे तो ये चीजें मैंने सच में देखी है ऐसा होता है और मैंने उसको ना लेंथ से एक बार और ऐसे देखा पास से उसको अजीब लगा कि ये मेरे को कौन देख रहा है क्या देख रहा है तो मैंने देखा तो वो सच में ऐसे क्रीमी चल रहे थे उसके सिर में दिमाग में चल रहे थे और कान में भी चल रहे थे तो बारिश में हो या धूप में हो ऐसे भीख मांगता था भिखारी तो वो एक साल तक था भगवान ने उसको क्या दुख दिया था कि मतलब दिमाग आधा ऐसे सड़ गए ऊपर का जो स्कल के अंदर तक उसका मतलब ब्रेन भी दिखता था सेरेबेलम दिखता था कीड़े पड़े इतने कष्ट में भी वो रह रहा था एक साल के बाद वो दिखाई देना बंद हो गया मतलब उसकी डेथ हो गई होगी लेकिन एक साल तक वो कैसे कष्ट में और ओपन था मतलब उसका और उसने इलाज भी नहीं कराया भिखारी था भीख मांगता था तो जब बारिश होती होगी तो उधर पानी भी गिरता होगा उसके सल स्कल के अंदर तब भी वो भगवान ने उसको किस तरह से कष्ट दिया हो मतलब उसके अपने कर्म होंगे कुछ कि वो भिखारी बन के भीख मांगता था लेकिन ऐसा मैंने देखा ये जो है ना कान में भी कीड़े थे ब्रेन में भी कीड़े थे कीड़े ऐसे चलते थे ऐसे पुल पुल चलते थे वो सफेद सफेद रंग के चलिए आगे बढ़ते हैं आप लोग को अगर कुछ बोलना होगा तो आप लोग बोल सकते हैं नौवा और दसवा नंबर का श्लोक है कर्ण प्रविष्ट पतंग आदि के लक्षण अगर कान में कुछ चीज चला जाता है कोई कीड़ा चला जाता है कन खजूरा वगैरह चला जाता है तो क्या होता है पतंग शतपद्यश कर्ण स्रोता प्रविश्य ही अरतिम व्याकुलत्व चृषम कुरंती वेदना कर्णो निस्तुद्यते तस्य तथा फर्फरायते देखिए क्या शब्द बोला है फर्फरायते और कनखजुरा को शत बोला है मतलब जिसके सौ पैर रहते हैं कर्णो निस्तुद्यते तस्य तथा फर्फरायते कीटे चरती रुक तीव्रा निस्पंदे मंद वेदना पहले के जमाने में लोग क्या करते थे कि अभी आजकल कैसे है कि कॉट है चारपाई है पलंग है अभी ऐसे लोग सोते हैं पहले के जमाने में लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता था कि पलंग बनाए या फिर चारपाई बनाए तो लोग ना नीचे सोते थे और नीचे मिट्टी के घर होते थे मिट्टी का गोबर से पूरा लेप करके वो करते थे तो लेकिन कन आता था वो कीड़ा रहता है तो वो सोते सोते गांव में कान में घुस जाता था कन खजुरा। या पतंगा नाम का जो कीड़ा है वो घुस जाता था कान में यदि कन खजूरा पतंगा घुस जाता है तो बड़ी बेचैनी या व्याकुलता होती है अत्यंत पीड़ा होती है कान में सुई सी पीड़ा होती है जब कीड़ा फड़फड़ाता है या चलता है तो पीड़ा अधिक होती है और जब स्थिर रहता है तो पीड़ा कम होती है ये कन खजूरा ऐसे तो टीका कर क्या बोलते हैं कर्ण प्रविष्ट पतंग कीटादि लिंगम महा पतंगा इत्यादि शत पद्मी कार कर्ण प्रविष्ट कीट के लक्षण कहते हैं पतंगा इत्यादि शतपति कारण्डिका होती है कीड़े का नाम है शतपति कारंडिका जिसको कन खजूरा निष्पंद अर्थात स्थिर अभी भी कन खजूरा नाम का जो कीड़ा है हमारे यहाँ महाराष्ट्र में जब बारिश होता है तो कन खजूरा या फिर अर्थवम ये बहुत सारे आ जाते हैं तो वो घर में निकलते हैं जिनका नीचे का घर होता है जो फ्लैट में रहते हैं उनको नहीं आता है लेकिन जिनका नीचे का घर होता है तो वहां पे कन बहुत चलते हैं भूमि पर सोने से से अथवा अन्य किसी प्रकार के कान के अंदर कोई कीड़ा प्र, पतंग प्रविष्ट हो जाते हैं फिर फरफराने लगता है अथवा शतपति या छोटा सा कान खजूरा कान में अंदर घुस जाता है तब बहुत बेचैनी और व्याकुलता होती है कान में अत्यंत पीड़ा होती है कान में चुभक तथा फड़फड़ाहत होती है जिस समय कीट कन कुहर में चलता है तब तो अत्यंत पीड़ा होती है किंतु जब वह चुपचाप एक स्थान पर बैठ जाता है तब कुछ शांति रहती है ये तो कीड़ा का बात हो गया कान में कुछ भी चला जाए तो बहुत ज्यादा तकलीफ होती है अगर जैसे पानी भी चला जाए तो वहां से इंफेक्शन होके कान बहने लगता है बहुत ज्यादा पेन होता है कान कुछ भी चीज एक्सेप्ट नहीं करता है एक्सटर्नल चीजों को जब मैं इंटर्नशिप कर रहा था प्राइमरी हेल्थ सेंटर में तो एक पेशेंट आया मजदूर था जो पत्थर के खादान में काम करता था तो उसके कान में ना एक पत्थर का टुकड़ा चला गया था इतना परेशान था इतना रो रहा था चिल्ला रहा था कि मेरे कान से कुछ निकालिए तो वो जो एक वो रहता है ना इंस्ट्रूमेंट रहता है जैसे चिमटा जैसा वो मैंने मेरे पीएचसी में था तो वो मैंने पकड़ के खींच के निकाल दिया तो ठीक हो गया तो कान कोई भी चीज एक्सेप्ट नहीं करता है बाहर का कर्ण कुहर में आकाश महाबूत रहता है वहां पे कुछ भी चीज गया तो बहुत ज्यादा तकलीफ देते हैं इसके बाद में आ रहा है कर्ण विद्री एप्सिस इलेवन नंबर का श्लोक है इसमें बोल रहे हैं कि शताभिघात प्रभवस्तु विद्रधिर भवेत तथा दोष घृतो अपर पुनः सरक्त पीतारुण मास्त्रावेत प्रतोद धुमायन दाह चोशवान इतना बढ़िया श्लोक है कर्ण विद्रधि अगर कान में एप्सिस हो जाता है तो विद्रधि जो रहता है वो रस रक्त मांस में अस्थि तक वो जा सकता है इतना वो डैमेज करता है पूरा कर्ण विद्रधि माह शताभिघात प्रभव इत्यादि शत प्रभो अभिघात प्रभव शताभिघात प्रभव आगंतु कत्वादेव एवं वातादिजस्यापि बात, दोषजत्वादेकत्वम सरक्त पीतारुणम मस्त्र मस्त्रावे देती अस्त्र सरक्त पीता रुणा वर्णत्वम चास्त्रावस्य बात पित्तक संभवात कर्ण विद्रति के लक्षण कहते हैं शतेत्यादि शताभिघात प्रभाव शत से होने वाला एवं अभिघात से होने वाला विद्रति शतजन्य और अभिघात जन्य ये दोनों आगंतु होते हैं आगंतु होने से दोनों को एक माना गया है इसी प्रकार बाता जन्य विद्रदी दोष सामान्य से उत्पन्न होने के कारण एक ही होता है सरक्त पित्त इत्यादि लाल पीला और अरुण वर्ण का अस्त्र अर्थात आस्त्राव बेहतर रहता है आस्त्राव का रंग लाल पीला या अरुण वर्ण बात पित्त और कफ के कारण होता है कान में शत हो जाने से अथवा चोट आदि लग जाने से कान के अंदर विद्रधि हो जाया करती है इसे आगंतु कर्ण विद्रधि कहते हैं इसके अतिरिक्त दोषों के स्वाभाविक प्रकोप से भी कारण के अंदर विद्रधि हो जाती है उसे दोषज कर्ण विद्रधि कहते हैं इसमें शत या अभिघात से रक्त अथवा रक्त वर्ण का स्त्राव निकलता रहता है एवं दोषज विद्रधि में बात से अरुण वर्ण का पित्त से पीतवर्ण का एवं कप से श्वेत वर्ण का स्त्राव होता है इस प्रकार दोषानुसार तोद होता है धुए का सा संताप होता है दाह और चोश होता है इसके बाद में आता है इसका कान में चोट लगने या अच्छा छत होने से कान में विद्रोधी होती है अथवा दोषों के प्रकोप से कान में विद्रोधी होती है जब कान से लाल या पीला रक्त स्राव होता है सुई चुबने की से पीड़ा होती है धुआं निकलने के समान मालूम होता है दाह और चूसने के समान पीड़ा होती है तो एक कर्ण विद्रोधी होता है इसके बाद आ रहा है कर्ण पाक और पुथी कर्णक कान पक जाता है तो कैसा होता है ऐसा आप लोगों ने देखा होगा पेशेंट लोगों को कान पक जाता है वहां पे बहुत ज्यादा पेन वगैरह बहुत ज्यादा तकलीफ होती है बहुत मतलब कष्टदायक कंडीशन होता है कर्ण पाकस्तु पित्ते न कोत विकले कृत भवेत कर्ण विद्रुदी पाकाद्वा जायते चांबू पूर्णा पोयम स्त्रवती पुत्र व स पुति कर्ण का मतलब पित्त के प्रकोप से कान में विद्रुदी होने से या कान पकने से अथवा तो पानी भर जाने से कान में दुर्गंध अथवा गीलापन होता है इसे कर्ण पाक कहते हैं कान से पीप निकलते है और दुर्गंध आती है इसे पुति कर्ण कहते हैं इन दोनों रोगों में प्राय पीड़ा नहीं होती और कभी होती भी है ऐसा ये है। क्या बोलते हैं कर्ण पाक लक्षण माह कर्ण पाक इत्यादि कोथ विकलेद क्रद पुतिभाव विकलेद आद्रता ननु कर्ण लक्षण पित्तेन शोषण मुक्तम तदगत माद्रता नैवम एवं विकारजनक कर्म सह द्रवांशो तत्र द्रवांशोक् शोष कर्णपाक के लक्षण कहते हैं कर्णपाक इत्यादि कोथ विकलेद कृत बदबुदार सड़ाव कोत कहते हैं और इसमें शंका होती है कि पीछे के लक्षण में पित्त द्वारा कफ का शोषण कहा गया है किंतु यहाँ पर पित्त से कोत और विकलेद का होना कहा गया है इसका समाधान यथा इसका समाधान क्या है इसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि इस रोग में उत्पन्न होने वाले कर्म के सहकारी तथा द्रवांश के उदृत पित्त से इसमें आर्द्रता आ जाती है कर्णगुत में इसकी विपरीत अवस्था होती है इसमें शोष हो जाता है कर्णगुत मतलब जो कान में मैल हो जाता है वो सूख जाता है ड्राई हो जाता है कर्णगुत अलग होता है पित्त के प्रकोप से कान में सड़ाव या मवाद आने लगता है अथवा अच्छा कर्ण विद्रुति से पक जाने से कर्ण पाक भी हो जाता है इस रोग को कर्ण पाक कहते हैं पोयम स्त्रवती पुत्र पुति कर्ण का पुति कर्ण लक्षण महा पोयम इत्यादि पुतिति क्रिया विशेषण व शब्द अत्र समुचते तेना वेदन सवेदन वन स्रावित्व चमुचीये घन स्राव निम्माच कर्ण स्रावादय से उक्तम शोषते

इसमें नियमित रूप से घना स्राव होता है इसलिए यह रोग कर्ण स्राव से भिन्न है इसको पुतिकर्ण बोलते हैं कर्ण स्राव तो हो ही रहा है लेकिन पीब निकल रहे हैं दुर्गंध आर्य है। इसमें बता रहे हैं कि सुश्रुत में भी कहा गया है कि कर्ण स्रोत में अवस्थित कफ पित्त के तेज से प्रतप्त होकर जब पिघल जाता है तब तो कारण में से कान में से पीड़ा रित अथवा पीड़ा युक्त घना एवं दुर्गंधी युक्त स्त्राव निकलता है इसे पीतिकर्ण कहते हैं उत्तर तंत्र अध्याय थर्टी बदबूदार कान को पुतिकर्ण कहते हैं पित्त के प्रकोप से जब कर्णगत शेषमा पिघल जाता है तब कान से दुर्गंधित युक्त घना स्त्राव निकलता है उसे पुतिकर्ण कहते हैं इसमें दुर्गंधित तत्व पित्त के प्रकोप से और घनता कफ विकार से होता है इसके बाद में आ रहा है कर्ण श्रोत और कर्णार्श जैसे का... हम लोग को अर्श व्याधि आप लोगों ने देखा होगा ऐसे कान में भी अर्श हो जाता है या फिर कर्ण अर्बुद होता है गांठ होती है या कान में सूजन होती है बहुत ही इंटरेस्टिंग है इसको पढ़ना कर्ण शोथा अर्बुदान अर्शांसी जानियत उक्त लक्षण ही चरकोक्त कर्ण रोग चतुष्ट चरक संहिता में जो चार रोग बताएं कर्ण रोग नातो तो अतिरोग कर्ण मलस्य शोषा स्त्राव तनुष्चा तनुष्चा श्रवणम चबाता शोथ सरागो दरणम विदाह सपूति सपीत पुति श्रवणम चपिता अब ये बता रहे हैं पहले वाला कर्ण श्रोत अर्बुद कर्णार्श इसकी टीका बोली है इदानिम संख्या पूर्णार्थम कर्ण श्रोतार्बुदार्शांश सामति देशेन लक्षण महा कर्ण श्रोते इत्यादि कर्ण श्रोता चतवारो पित्त कफ रक्त जत्वेन एवं अर्श सहज सन्निपात अर्श सन्निपात अर्शसो सन्निपाता अगंतु शोथ शोथयोश्चात्र संभुतिर राधार प्रभावत अर्बुदम च सप्तविधम वात पित्त कफ रक्त मेद सिरा निमित्त भेदात सिरा वात जाया श्रुद्धस्यात्र पोय पृथक गणम शालक्य सिद्धांत संवादिति कार्तिकः यथा सुषुत एव कर्ण रोगांतरम दीर्घे स्त्रिभिस्तेहे

ोता सन्नीपातजो अत्रणनीय एवं सहज रक्तजो दोषज एवंतर भावान सन्निपात पातजम अर्शो पृथ्वी अर्बुदिपातज सप्तमीति एवे भी सहांशति सुश्रुतोकता कर्ण रोगा भवन्ति अब कर्ण रोगों की संख्या पूर्ति के लिए कान में वाला शोध अर्बुद अर्श आदि रोगों का अतिदेश के लक्षण कहते हैं कर्ण शोत इत्यादि वादपित्त और कफ और रक्त से कर्ण शोध चार प्रकार का होता है इसी प्रकार कर्णार्श भी चार प्रकार का होता है सहज और त्रिदोष अर्थ तथा संत और आगंतुष कर्ण में नहीं होना चाहिए उनकी गणना नहीं की गई है वात पित्त कफ रक्त पित्त में सिराजेद से कर्ण अबुद सात प्रकार का होता है मतलब वात से अर्बुद हो सकता है पित्त से अर्बुद हो सकता है कफ से अर्बुद हो सकता है रक्त से अर्बुद हो सकता है मास से हो सकता है मेद से और सिराजे से सात प्रकार का अर्बुद होता है यद्यपि सिराज अर्बुद जो रहता है तो भी शल्य तंत्र सिद्धांत के अनुसार उसकी गणना पृथक की गई है यहाँ कार्तिकाचार्य का मत है सुश्रुत में भी कर्ण रोगों का वर्णन करने के पश्चात वही कुछ लिखा है यथा शोत और अर्बुद तीनों दोषों से एक एक और चतुर्थ संपात से इस प्रकार यह चार चार प्रकार के होते हैं इसी प्रकार शालक के सिद्धांत के अनुसार

काम चल सकता है वर्ष सहज और रक्तज अर्श का भी दोषज में अंतर्भाव कर लेना चाहिए और सन्निपातज अर्श की पृथक गणना नहीं करनी चाहिए एवं सन्निपातज अर्बुद को सप्तम मान लेना चाहिए इस कांट छाट करके और सुश्रुतोक्त अट्ठाईस तो कर्ण रूप पूरे हो जाते हैं सुश्रुत में कर्ण रूप अट्ठाइस माने हैं इस संख्या पूर्ति के लिए चार प्रकार का श्रोत वात पित्त कफ और एक रक्त से चार अर्श वात पित्त कफ और रक्त और सात अर्बुद

राणम विदाह च पित्त इसके बारे में बता रहे हैं इसके पहले नीचे क्या लिखा है कर्ण शोध कर्णार्बुद कर्णार्थ में पहले वर्णन के हुए शोध अर्बुद और अर्श के लक्षण क्या होते हैं अंतर यही है कि लक्षण अन्य स्थानों में न होकर कान में ऐसे होते हैं कर्ण शोध चार प्रकार के होते हैं वातज पित्तज कफज रक्तज ऐसे ही चार प्रकार के अर्श भी होते हैं अर्बुद सात प्रकार के होते हैं वातज पित्तज कफज रक्तज मास मेदज और सिरा निमित्तज इस बार शोषण में कहे हुए कर्ण और 28 प्रकार के हैं इसमें चौदहवा और पंद्रहवा श्लोक है कुछ बोलना चाहते हैं आप लोग हाँ सर माधव निदान का काल कौन सा है सुश्रुत के बाद का काल है हाँ ये मध्यम काल है अच्छा जब माधव निदान और ये सब लिखा गया ना तो यहाँ पे मुगलों का शासन था मतलब ये अच्छा। मुस्लिम उस टाइम पर भी वैद्य लोग आयुर्वेद चिकित्सा करते थे अभी ऐसा सोचिए, कल्पना करिए बांग्लादेश में कितना अभी अत्याचार हो रहा हिंदुओं तो उस टाइम पे मुस्लिम आक्रमण होते थे तब भी वैद्य लोग अपना कर्म नहीं छोड़े मध्यकालीन भारत में वो लोग आयुर्वेद चिकित्सा करते थे और ये ग्रंथ लिख के गए हमारे लिए कितना उन्होंने मेहनत किया होगा जब अत्याचार हो रहा हाँ जी गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग मैम छठी या सातवीं शताब्दी है माधो का टाइम अच्छा उस टाइम पे मुस्लिम आक्रमण शुरू हो गए थे आ, मुस्लिम आक्रमण तो बहुत पहले शुरू होगा क्योंकि जहांगीर ने जब फर्स्ट टाइम आए हैं बाबर का बाबर जहांगीर का सोलह सौ थी तो जहांगीर तो जहांगीर बाबर आए हैं तो मान लो पचास साल पहले का टाइम मान सकते हो पंद्रहवी शताब्दी तो पंद्रहवीं शताब्दी और आते जाते तो लोग बहुत पहले से रहे हैं तब से तो पूरी एम्पायर बनी है लेकिन जो माधव का टाइम जितना मुझे याद है क्योंकि या है। है हाँ, तो तो पहले ये मतलब ये लिखा गया छठवीं शताब्दी तो लेकिन आक्रमण तो होते ही रहे हैं भारत में छठवी शताब्दी ये क्या था कि भारत जो था वो एजुकेशन का हब था नालंदा यूनिवर्सिटी तक्षशिला विक्रमशिला तो यहाँ पे जो लोग पढ़ने आते थे यहाँ पे धन वैभव पैसा सब था जैसे आज के जमाने में अमेरिका सबसे ताकतवर और शक्तिशाली और पैसे वाला देश है वैसे भारत था पहले लेकिन जो आक्रमण हुए तो यहाँ पे मंदिरों को लूटा गया जो शिक्षण संस्थान थे उनको जला दिया गया और सबको कन्वर्ट किया गया जबरदस्ती इस्लाम कबूल करने अब ये श्लोक जो है ना ये हम कल करेंगे अभी मैं आप लोगों को थोड़ा ब्रेक देता हूँ आधा घंटा के बाद हम लोग मिलेंगे चौदह पंद्रह बड़ा श्लोक है इसको पढ़ने में टाइम लगेगा तो हम कल करेंगे और आप लोग सात बजे मिलिए जब हम अष्टांग हृदय पढ़ेंगे उसमें सभी को संस्कृत पढ़ना कंपलसरी है मैं सबको पढ़वाता हूँ ठीक है तो मैं सेशन बंद करता हूँ थैंक यू प्रणाम सभी लोग को